हम ध्वन्य लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ध्वनि का लक्षण देखा। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि का क्या लक्षण बताया था? यत्र अर्थः शब्दो वा तमर्थ उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स्वध्वनिरिति सूरभिः कथितः। हम बहुत ही डिटेल में पिछली क्लास में से समझ चुके हैं। एक बार मैं संक्षिप्त बताती हूँ कि जहां पर शब्द अपने अर्थ को और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना करके उस अर्थ विशेष को अभिव्यक्त करते हैं, किस अर्थ को? उस प्रतीयमान अर्थ को, व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा है। ऐसा ही हम लोगों ने उसमें भी देखा था काव्य प्रकाश में, तो वो ध्वनि काव्य का लक्षण बता रहे थे। एदम उत्तम ममति शायनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर बुधै कथितः। तो ये हमने कल ध्वनि का लक्षण देखा। तो अभी तक आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि विरोधी मतों को उठाया और उनको स्पष्ट करते हुए कि एक एक मत को डिटेल में बता रहे थे। फिर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में क्या भेद है, कि वाच्य से प्रतीयमान अर्थ किस प्रकार से प्रधान है, ये सारा चीजें करने के बाद में उन्होंने ध्वनि का लक्षण बताया है। अब तो इससे अभी तक हमारी जो शंका थी कि ध्वनि कहते कैसे हैं आचार्य आनंद वर्धन ने, कभी भी कोई भी ध्वन्य लोक से संबंधित पूछ ले, कि अभी कल ही एक वाइवा हो रहा था तो पूछा गया था कि ध्वनि किसे कहते हैं आप, तो ध्वन्य लोक के अनुसार ध्वनि का लक्षण क्या है यदि कोई पूछे ध्वनि किसे कहते हैं। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वन्य लोक में ध्वनि का लक्षण यत्र अर्थः शब्दो वा तमर्थ उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स्वध्वनिरिति सूरभिः कथितः। उपसर्जनीकृत स्वार्थौ का क्या मतलब है? वा से हमने स्ट्रेस दिया था कल, व्यंगतः विशेष, व्यंगतः पद, इससे हमने व्याख्या विशेष को देखा था। तो ये सारी चीजें आप लोग पुनः रिवाइज कर लेंगे, पिछली क्लास में भी हमने जान ही दिया है तुम्हें। अब आगे देखो, वो ये चीजें बता रहे थे। अब यहाँ तक उन्होंने जो अभाववादी या भक्तवादी या अलक्षणितावादी जो तीन मत उठाए थे उनका ही वर्णन किया था। अब उनका उत्तर दे रहे हैं कि ध्वनि तो यह है, ध्वनि का लक्षण यह है। अब आगे उसको बताते हुए कहते हैं, अनेन वाच्य वाचक चारुत्व हेतुभ्य उपमादिभ्य अनुप्रासादिभ्य विभक्त एवं ध्वनिर विषय इति दर्शितम्। इस प्रकार वाच्य के चारुत्व के हेतु और वाचक के चारुत्व के हेतु कौन है? वाच्य क्या? अर्थ यानी अर्थालंकार, और वाचक यानी शब्द यानी शब्दालंकार। इनके चारुत्व वाच्य और वाचक के सुंदरता को बढ़ाने वाले उपमादि और अनुप्रास आदि उनसे भिन्न ही है ध्वनि का विषय। तो अभी हमने देखा ना जहाँ पे शब्द अपने को गौण बना रहा है, अर्थ अपने अर्थ को गौण बना रहा है, उसके बाद भी वो अर्थ विशेष को व्यक्त कर रहे हैं, तो इनसे भिन्न ही है, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार से ध्वनि का विषय भिन्न ही है। ये बात समझ में आ गई? तो ये उन्होंने अभाववादियों के प्रथम विकल्प, अभाववादी के जब वो बात कर रहे थे आचार्य आनंद वर्धन, तो उन्होंने अभाववादियों के तीन विकल्प उपस्थापित किए थे, याद आ रहा होगा, हमने पहले देखा है क्लास में डिटेल रूप से। तो पहले विकल्प में मानते थे कि अभाववादी कहते थे कि शब्द और अर्थ, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्द और अर्थ ही शरीर काव्य है। उसमें कहते हैं कि इनके सुंदरता को बढ़ाने वाले अनुप्रास आदि अलंकार हैं, यानी शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार हैं, वर्ण संगठन धर्म है, हमारे पास में रीतियां हैं, वृत्तियां हैं, तो इनसे भिन्न ध्वनि का विषय कौन है? ध्वनि नाम का कोई पदार्थ नहीं है। तो अब देखो इन्होंने ये बता दिया कि जो शब्दालंकार और अर्थालंकार इनसे भिन्न ही है ध्वनि का विषय, ये अभी तक हम प्रतिपादित कर चुके हैं। तो हमारे उसने प्रथम विकल्प कर दिया। उसके बाद में अभाववादियों का दूसरा विकल्प प्रस्तुत करते हुए आचार्य आनंद वर्धन ने कहा था कि प्रसिद्ध प्रस्थान जो चला आ रहा है कि जो शब्द और अर्थ को ही जो काव्य मानते हैं, उस प्रसिद्ध प्रस्थान को छोड़ करके यदि हम कोई अलग ही प्रस्थान मानेंगे, ठीक है, ध्वनि नाम का कुछ अलग प्रस्थान मानेंगे, तो उसमें काव्यत्व की हानि हो जाएगी। और अभी ऐसा कोई मानोगे तो उसे सब जो सारे विद्वान है उनको वो मनोग्रही नहीं होगा। यह इन्होंने दूसरा विकल्प उपस्थापित किया था अभाववादियों का, ठीक है। तब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध प्रस्थान अतिक्रमण मार्ग से काव्यत्व हानि ध्वनि नास्ति तदपि युक्तम यतो लक्षण कृताम एव स केवलम न प्रसिद्ध लक्ष्य तो परीक्षमाणे स एव सहृदय हृदयोल्लादि काव्य तत्व ततो अन्य चित्रमेव इत्यग्रे दर्शयामः। कहते हैं यहाँ पर क्या, प्रसिद्ध प्रस्थान अतिक्रमण मार्ग से काव्यत्व हानि ध्वनिर्नास्ति तदपि अयुक्तम। प्रसिद्ध प्रस्थान का अतिक्रमण करने वाले, जो हमारा प्रसिद्ध प्रस्थान चला आ रहा है शब्द अलंकार अर्थालंकार शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानने वाला, उस जो प्रसिद्ध प्रस्थान है उसको भिन्न
यदि आप कोई अन्य ध्वनि का मार्ग मानोगे, ध्वनि प्रस्थान मानोगे अलग से, तो उससे काव्यत्व की हानि होगी, इसलिए ध्वनि नहीं है। ये जो अभाववादियों ने जो दूसरा विकल्प प्रस्थापित किया था, वो कहते हैं कि वह भी ठीक नहीं है, आपने ये जो बात कही है वह उचित नहीं है। क्यों? ये तो लक्षण कृताम एव सा केवलम न प्रसिद्धः लक्ष्य तो परीक्षा माने सा एव सहृदयहल्लादी काव्य तत्वम। क्योंकि यह जो ध्वनि का मार्ग है, यह जो ध्वनि है वो लक्षण करने वाले यानी ध्वनि का लक्षण करने वाले उन्हीं में प्रसिद्ध नहीं है। सा केवलम न प्रसिद्ध, केवल जो ध्वनि है उन्हीं में प्रसिद्ध नहीं है, अपितु लक्ष्य तो परीक्षा माने लक्ष्य ग्रंथों में जहाँ पे ध्वनि दिखाई देती है जैसे रामायण आदि, उनका यदि कोई परीक्षण करे तो उसमें वही सहृदयहल्लादि काव्य तत्व, वही सहृदयों को आनंदित करने वाला काव्य का तत्व है। तो हम जो ये बात कह रहे थे कि प्रसिद्ध प्रस्थान का केवल, ऐसी बात नहीं है कि जो ध्वनि का जो मार्ग है वो केवल लक्षण करने वालों के मार्ग में ही प्रसिद्ध है, अपितु लक्ष्य का परीक्षण करने वाले, हम लक्ष्य का परीक्षण करें यानी लक्ष्य ग्रंथों में देखें तो वही ध्वनि काव्य सहृदयों को आह्लादित करने वाला है और काव्य का सार तत्व है। और ततोन्न चित्र, उससे भिन्न कोई भी होगा यानी इससे भिन्न काव्य, ततोन्न यानी इससे भिन्न यानी वह काव्य जिसमें ध्वनि नहीं है, तब वह तो चित्रमेव, वह तो चित्र काव्य ही है। उससे भिन्न यानी जो काव्य ध्वनि से रहित है वह केवल चित्र काव्य है, उसको हम अग्रे दर्शिष्या में उसका हम आगे वर्णन करेंगे, वो ये कह देते हैं। इस अभी तक हमने जो वर्णन किया वो है, उसका हम आगे वर्णन करेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहले वाक्य में देखो हमने इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं उसके जो अभाववादियों का दूसरा विकल्प उसको बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं, पहले वाक्य में इन्होंने अभाववादियों के प्रथम मत का खंडन किया था, वो हम देख चुके, मैंने अभी तुम्हें स्पष्ट भी बताया था कि कैसे उन्होंने कहा था कि हमारे पास अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, रीति है, वृत्ति है, तो इन सब में ही हमारा ध्वनि हो जाएगा। वो कह रहे कि नहीं भाई ये सब ये अलग है और ध्वनि जो है इनसे अलग ही है, दिख रहा है कि भाई वाच्य वाचक से नहीं है, वो तो अलग है, व्यंग्य बिल्कुल अलग है, तो बोले ये वाली बात अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं दूसरे मत का खंडन की बात जो कह रहे हैं कि प्राचीन प्रसिद्ध जो अलंकार आदि है, रीति गुण आदि है, मार्गों से आदि का जो मार्ग है उससे भिन्न अन्य कोई मार्ग काव्य का तत्व नहीं हो सकता। यह जो अभाववादी ने दूसरा विकल्प उठाया था, इस संबंध में ध्वनिकार ने अभाववादियों की जो आपत्ति उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि ध्वनि का सिद्धांत केवल काल्पनिक नहीं, कि केवल कल्पना मात्र है हमने ये है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व है, दिखाई देता है, वह केवल लक्षण ग्रंथों में नहीं है। कि केवल हम जो वर्णन कर रहे हैं, आनंद वर्णन कहते हैं कि ध्वनि का लक्षण करने वाले आचार्य केवल ध्वनि को जानते हो या उसको अनुभव करते हो, ऐसा नहीं है, अपितु उत्तम ध्वनि काव्यों में लक्ष्य ग्रंथों में यानी रामायण आदि की दृष्टि से परीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि वही ध्वनि काव्य, ध्वनि ही काव्य का सारभूत तत्व है, वही आत्म तत्व है, और वो कैसा है, जो सहृदयों के हृदय को आह्लादित करता है, आनंदित करता है। इससे भिन्न काव्यों में यदि कोई इससे भिन्न काव्य है जिनमें ध्वनि नहीं है, वो तो चित्र काव्य ही होगा, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। तो ये चित्र काव्य का वर्णन वो तीसरे उद्योत में करते हैं, जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो तीसरे उद्योत में जाकर वो चित्र काव्य का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। और चित्र काव्य किसे कहते हैं, वो हमने पढ़ा भी था कि व्यंग्य अर्थ से रहित केवल अलंकार मात्र की शोभा से युक्त काव्य को चित्र काव्य कहा जाता था। वाच्य चित्रम अव्यंगम तु अवरम स्मृतम, याद आ रहा है कुछ, काव्य प्रकाश में पढ़ा था हमने, काव्य के तो तीन भेद थे, ध्वनि काव्य यानी उत्तम काव्य, गुणीभूत काव्य यानी मध्यम काव्य, और अधम काव्य यानी चित्र काव्य, अवर काव्य जो था, तो कैसा था, अव्यंगम यानी स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, इसमें व्यंग्य नहीं होता, व्यंग्य स्फुट रूप से होता है लेकिन प्रतीत नहीं होता स्फुट रूप से, उस व्यंग्य काव्य की बात कही थी। तो यही बात शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंगम तो अवरम स्मृतम, ये हमने देखा था। तो ये कह रहे हैं कि चित्र काव्य का वर्णन हम आगे करेंगे विशेष रूप से, लेकिन ये चीज है कि यहाँ तक इन्होंने ये बात बताई है, दूसरा विकल्प जो था उसको प्रस्थापित किया है। अब क्या कहते हैं, तीसरी बात करते हुए कहते हैं, यद्यपि युक्तम जो कहा गया है, क्या कामनीया काम अति वर्तमानस्य तस्योक्त अलंकार आदि प्रकारे स्वंतर्भाव इति तदपि असमीचीन, वाच्य वाचक मात्राश्रयणी प्रस्थाने व्यंग्य व्यंजक समाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वने कथम अंतर्भावः, वाच्य वाचक चारुत्व हेतु ही तस्यां
भूतः सातु अंगी रूपे एव इति प्रतिपादिष्यमानत्वात् परिकरश्चात्र श्लोकः। व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधन तया ध्वने वाच्य वाचक चारुत्व हेतुअंतः पातितः कुतः। अब देखो बेटा, अभाववाद्य को तीसरा विकल्प क्या था? अभाववादियों के तीन विकल्प थे ना, तो पहला विकल्प ने देख लिया, दूसरे का इन्होंने उत्तर दिया, तीसरा विकल्प क्या था? वो ये कहते थे कि भाई जो ध्वनि है वो कामनीयता का यानी सुंदरता का उसका उसी का है, अतिक्रमण करने वाली है, उसी में है, तो इनको अलंकारों में शब्दालंकार और अर्थालंकारों में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा, उसको अलग से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने बात कही थी, याद आ रहा हो तो तुम्हें। क्या था? काम्य का मनति वर्तमान से तस्योक्तेष्व एव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्, उसके चारुत्व के हेतु जो है उन्हीं में अंतर्भाव हो जाएगा। तो अब उसका उत्तर देते हो, कहते हैं काम्य काम अनति वर्तमान से तस्योलंकारादि प्रकारेषु अंतर्भावा, जो ये बात कही थी कि सुंदरता का अतिक्रमण करने वाले उसी में रहने वाले, कम्यता का जो अतिक्रमण नहीं कर रहा है, अनति वर्तमान से अतिक्रमण न करने वाले अलंकार आदि प्रकारों में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा। यह जो अभाववादियों का तीसरा विकल्प था, कमनीयता का अतिक्रमण न करने वाले, यानी जो पहले कहा था भाई ध्वनि है वो भी कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करती है, वो भी हुई है, तो उसका भाई इसमें अलंकारों में शब्दालंकारों अर्थालंकार उसी में अंतर्भाव हो जाए, उसको अलग से मानने की क्या आवश्यकता है? तो अब यहाँ पे उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि कामनीयता का अतिक्रमण न करने वाले जो तस्य माने ध्वनि का अलंकार आदि प्रकारों में ही अंतर्भाव हो जाए इति तदपि असमीचीनम, वह भी समीचीन नहीं है। क्यों? वाच्य वाचक मात्रा श्रेणी प्रस्थाने, जो केवल वाच्य और वाचक का आश्रय ग्रहण करता है प्रस्थान, कौन सा? शब्दालंकार अर्थालंकार बेटा जो होते हैं वो वाच्य वाचक उसी में ही होते हैं कि वाच्य यानी अर्थालंकार और वाचक यानी शब्दालंकार बोले उसी का आश्रित रहने वाले, यानी वाच्य और वाचक के आश्रित रहने वाले प्रस्थाने माने प्रस्थान में व्यंग्य व्यंजक समाश्रयेन, जो व्यंग्य और व्यंजक से होता है व्यविष्ठतत्व ध्वनि है कथम अंतर्भावा, ऐसी व्यंग्य व्यंजक के आश्रित रहने वाली ध्वनि का उसमें अंतर्भाव कैसे हो जाएगा? शब्दालंकार अर्थालंकार वाला जो आप मार्ग बता रहे हो, शब्द अर्थ जो काव्य का शरीर है, वो वाच्य वाचक मात्रा श्रेणी, वाच्य और वाचक का मात्र का जो आश्रय करने वाले उसमें ध्वनि की स्थिति कैसी कैसी है? व्यंग्य और व्यंजक के आश्रय रहने वाली है, उस व्यंग्य व्यंजक के आश्रय से होती है, उस मार्ग का ध्वनि में अंतर्भाव कैसे हो सकता है? ठीक है, वाच्य वाचक चारुत्व हेतु ही तस्य अंगभूतः, और ये क्या कह रहे हैं? वाच्य और वाचक के जो चारुत्व के हेतु है वो तो उसके अंगभूत है, प्रधान तो ध्वनि है। वाच्य वाचक चारुत्व हेतु, वाच्य के और वाचक के जो चारुत्व हेतु है यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार, वो तो उसके अंगभूत है, गौण है, प्रधान तो सातु अंगी रूप, वह ध्वनि तो अंगी रूप है, प्रधान है। एविति प्रतिपादिष्य मानत्वात्, यही हमने क्या कर रहे थे, इस तथ्य को हम आगे और प्रतिपादित करेंगे। परिकरस श्लोक अत्र श्लोक, एक परिकर मैंने एक श्लोक और बता रहे हैं जिसमें जैसे मैंने कभी कारिका में कोई बात कुछ नहीं पाती तो परिकर श्लोक के माध्यम से कह दी जाती है। व्यंजय व्यंजक संबंध निबंधन तया ध्वनि वाच्य वाचक चारुत्व हेतु अंतः पातितः कुतः। क्या कह रहे हैं? ध्वनि माने ध्वनि का निबंधन व्यंग्य व्यंजक, व्यंग्य और व्यंजक भाव के संबंध होने के कारण होता है, वह वाच्य वाचक के चारुत्व के हेतु, उसमें कहां से वो अंतर्भाव हो जाएगा? उसका आप अंतर्भाव कैसे कर दोगे अलंकार आदि में? तो उसका अंतर्भाव इनमें नहीं हो सकता। तो यह अभाववादियों के तीसरे मत को यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये हमने देखा, ये बात यहाँ पे स्पष्ट करते उन्होंने बताया है। तो अभाववादी के हमने दो मत देख लिए थे पहले, और जो तीसरा मत था वो क्या कहता था कि उपमा और अनुप्रास आदि अलंकार सदा कैसे होते हैं? वाच्य वाचक रूप ही होते हैं, और किसको अलंकृत करते हैं? वाच्य वाचक को ही हम जानते हैं। अलंकार क्या होते हैं? उपकुर्वन्ति तम सिमतम यंग द्वारे जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादया, ये हमने पढ़ा है काव्य प्रकाश में। अलंकार शब्द अर्थ के धर्म है, तो ये उसको सुशोभित करते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, परंतु ध्वनि कैसी है? वाच्य वाचक के आश्रय नहीं रहती, वो व्यंग्य व्यंजक, एक व्यंग्य होता है व्यंजक होता है, उसके आश्रय से होती है। व्यंग्य अर्थ की अभिव्यक्ति सदा व्यंजना व्यापार से होती है, और ध्वनि का अंतर्भाव अलंकारों में कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तो आप कैसे अंतर्भाव करने की बात कह रहे हो?
दोनों का मार्ग बिल्कुल भिन्न है, वो वाच्य वाचक के आश्रित रहने वाले हैं, ध्वनि व्यंग्य व्यंजक के आश्रित रहने वाले, तो कैसे आप उसका अंतर्भाव कर सकते हो? इसलिए ध्वनि का अंतर्भाव अलंकारों में कदापि नहीं हो सकता। ध्वनि काव्य में ध्वनि सदा अंगी रूप होता है, सदा प्रधान होता है, मुख्य होता है, और उपमा और अनुप्रास आदि जो अलंकार है ये वाच्य वाचक को अलंकृत करके ध्वनि को अंग रूप में, गौण रूप में उसको अलंकृत करते हैं। अतः ध्वनि का अंतर्भाव अलंकारों में कभी भी नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ गई बेटा? तो जो ध्वनि है वो व्यंग्य और व्यंजक के आश्रित रहने वाली है, और आपके जो शब्दालंकार अर्थालंकार है वाच्य वाचक आश्रित है, तो उसमें अंतर्भाव कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार से आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि विरोधी अभाववादी जो मत है उनके जो तीन विकल्प उन्होंने उपस्थापित किए, तो उनका उत्तर यहाँ पे दे देते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें आपके आप हम इस आप कैसे कह सकते हो कि ध्वनि नहीं है। आपने जो विकल्प उपस्थापित किए उन सबका उत्तर इस प्रकार से दिया है। तो इसमें अब और आगे देखेंगे, अभी फिर अभी भी अभाववादी कुछ कहेंगे कि भाई कुछ अलंकार हैं जिनमें ध्वनि मानी जा सकती है, अंतर्भाव हो सकता है, कुछ बताएंगे अभी, तो उसका उत्तर वो आगे कैसे देंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ।